एसटीवी का मतलब का सिंगल ट्रांसफरेबल वुड। देखिए सर, सिंगल ट्रांसफरेबल वुड क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है, ई तक लेते हैं ज्यादा क्यों, ए बी सी डी ई। तो यहाँ क्या है हमारे यहाँ, माय जनरली क्या रहता है आपका कि हाँ इसको मिल गया 12 के, 13 के, 14 के, 16 के और 20 के, तो जीता तो यही ना आपके। मान लीजिए आप एक कैंडिडेट हैं, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी किसी ना किसी को वोट देते हैं, ठीक है, वोट जब देंगे तो मान लीजिए कभी वो डी को दे दिए होंगे, ई को दिए होंगे, या कोई सी को दिए होंगे, बी को, चाहे ए को दिए होंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपके कोई व्यक्ति है आपका जो दे देता है, व्यक्ति है जो देता है आपके बी को, ठीक है, बी को वोट दिया उसने आपके, लेकिन जीता कौन, मान लीजिए इसको सबसे ज्यादा वोट मिला तो जीत गया, लेकिन कहने वाला आपका वोट तो गया ना। मान लीजिए आप कैंडिडेट ए को चाहते थे कि वो जीते, लेकिन जीत गया ए कैंडिडेट, तब तो आपका वोट क्या है, तब जगह मेरा वोट तो चला गया, हम तो उसको वोट नहीं देते, होता है गांव में आके, चाहे मुखिया का हो चाहे एमएलए का, हम उसको कहाँ दिए थे, लेकिन जीत गया, लोग चाहते थे जीत गए, लेकिन आपका वोट क्या हुआ, चला गया, तो वोट खत्म आपका ना, क्योंकि आपने इसको दे दिया तो कैंडिडेट तो हार गया, वोट आपका बेकार, जिसको हम लोग बोल देते हैं आपके, अगर कहा जाता कि जीते वाले पार्टी को दिया जाता तो पार्टी जीत जाता कुछ और अच्छे से, लेकिन तुम नहीं दिए तो तुम्हारा वोट तो गया बेकार, तुम उस कैंडिडेट को दिया। तो कहने का मतलब यहाँ क्या आपके, कि अगर आप क्या रहते हैं ज़्यादा वोट लाते हैं, आपका जो आम चुनाव रहता है उसमें आप क्या करते हैं कि वोट जैसे आप दूसरे कैंडिडेट को दे देते हैं और जीत जाता है कोई और, तो आपका वोट तो बेकार हो गया। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलता है कि वोट क्या हो, वैसा वोट जो ट्रांसफरेबल हो, यानी चलते रहे, ट्रांसफर समझते हैं मतलब, मान लीजिए कोई जॉब में भी रहता है तो जॉब में क्या होता है उसका, उसको टर्मिनेट नहीं करके उसका ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक प्लेस से अलग प्लेस, तुम हो सर्विस में लेकिन तुम ट्रांसफर होते जा रहे हो इधर उधर इधर उधर। वैसे वोट क्या है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे वोट क्या होता है आपका, ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो वोट यहाँ क्या होगा आपका, बेकार नहीं जाएगा, यानी एक चीज यहाँ क्या है, बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा सर, आपका वोट क्या होगा, आप ट्रांसफरेबल। अब सवाल आता है सर बेकार नहीं जाएगा कैसे, बेकार नहीं जाएगा, देखिए उसके लिए भी प्रीफ्रेंस लाया है, ठीक है, प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रेंस को समझते हैं ये क्या होता है, यहाँ समझिए ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, वो वोट जो ट्रांसफरेबल हो आपका बेकार नहीं जाएगा, आपका वोट क्या होगा, ट्रांसफर होते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब इसी में प्रीफ्रेंस दिया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल में प्रीफ्रेंस आता है, सर प्रीफ्रेंस क्या होता है, ठीक है, प्रीफ्रेंस कहने का मतलब है आपका कि मान लीजिए आप एक जॉब में है, जॉब में है ना, तो जॉब में आपका, जॉब में क्या, आप मान लीजिए जॉब हटा देते हैं, आप स्टूडेंट ही हैं अभी, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक गोल रहता है ना, गोल रहता है जिसको लक्ष्य बोलते हैं हम लोग आपका, तो आप पहले कहते हैं कि नहीं मैंने बनाया पहले, अगर ये जॉब होगा, ये जॉब हो जाएगा तो सही है, दूसरा मैं ये वाली ये नहीं होता है तो इसमें अप्लाई करेंगे, ये नहीं होगा तो आपके इसमें अप्लाई करेंगे, ये नहीं होगा तो इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब आप एक बनाए हुए रहते हो पूरा चार, मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या आ रहा है कि अच्छा एमएनसी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाए, नहीं आ रहा कि कोई बात नहीं, तो दूसरा तैयारी करेंगे, तीसरा आप कहेंगे नहीं ठीक है अच्छा अगर नॉलेज वाले जाए तो चलो ना टीचिंग करते हैं, नहीं होगा कुछ एक्टिविटी में ध्यान है आपका, चलिए एक्टिंग करते हैं और रील्स वील्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब है आपका कि आपका क्या एक गोल है, आपका प्रेफरेंस है ना, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं आपके, इसी तरह शादी में भी आपका होता है, शादी में भी होता है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस बहुत आता है इसमें, प्रेफरेंस फिफ्थ प्रेफरेंस, एट प्रेफरेंस, नाइन आपका इसमें भी आता है, ठीक है। अब जॉब में भी प्रेफरेंस देखते हो कि ये जॉब बेटर है, ये जॉब बेटर है, ये जॉब समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस करके क्रिकेटर भी क्या आते हैं, मान लीजिए आपको दिया जाए कि किसको आप कैप्टन बनाना चाहते हैं इंडिया का, तो ठीक है मैंने कैप्टन बना दिया रोहित शर्मा को, सेकंड है केएल राहुल, थर्ड आपका आ जा रहा है सुरेश अय्यर, ठीक है, तो आप प्रेफरेंस दे रहे हो ना कि नहीं ये नहीं तो ये बने कम से कम, नहीं तो ये बने, ठीक है, आप तीनों में से चाहते हो, तो ये प्रेफरेंस रहता है। तो यही क्या होता है, ये यहाँ गेम होता है, देखिए क्या होगा, सीक्रेट बैलेट पेपर ऐसे होता है, ए बी सी डी ऐसे होगा, यहाँ आपके प्रेफरेंस कहा जाता है कि दीजिए, मतलब एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट चाहता है कि हम पहला ये अच्छे लग रहे हैं तो ए को बना देते हैं, बी ये दो नंबर लाइक आदमी नहीं है इसको थ्री दो, हाँ सी ये आदमी ठीक है इसको सेकंड देते हैं, हम सेकंड इसी को बनाएंगे, थर्ड ले जाओ तुम थर्ड, तो समझ रहे पहले फोर्थ ना हो जाएगा, एक दो तीन चार चाह रहे हैं, ठीक है, तो समझ रहे प्रेफरेंस आपका। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब है कि आपको ऑप्शन है एक तरह से कि आप अपना प्रेफरेंस मतलब सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक। तो सिंगल ट्रांसफरेबल में ये रखा जाता है, तभी आपका वोट ट्रांसफर होगा ना, तो वोट ट्रांसफर कैसे होगा आप ही सोचो ना, यहाँ ट्रांसफर हो सकता है एक तरह से, यहाँ पे रहते तो अच्छा रहता है कि एक होने तो बिल्कुल यहाँ ट्रांसफर है ही नहीं, आपका यहाँ है प्रेफरेंस, यहाँ तो आपसे मांगा ही नहीं गया, यहाँ आपको कहा गया ईवीएम पे जाइए जो अच्छा लग रहा है उसको दीजिए मतदान कीजिए जाइए, यहाँ क्या बोला जा रहा है, नहीं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी देना है, सेकंड भी देना है, थर्ड भी देना है, जितना कैंडिडेट है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपके प्रेफरेंस क्या है, चलिए प्रेफरेंस पेपर, ठीक है। सीक्रेट बैलेट पेपर कहने का मतलब है कि आपका जो मतदान है ना एक तरह से पूरी तरह से गुप्त रहेगा, ठीक है, पूरी तरह से गुप्त रहेगा, यानी कोई प्रेशर नहीं है, जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा जनरली जो चुनाव होता है उसमें क्या रहता है आपका कि आपको अगर पार्टी के अगेंस्ट आप जाओगे तो क्या होगा, एक तरह से आपके एंटी डिफेक्शन लॉ है, आपके दल बदलू एक कानून है उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर भी कर देता है पार्टी सब। तो यहाँ पे क्या है, सीक्रेट बैलेट मतलब अपने अंतर आत्मा की आप सुनो, आप ये जो नारा है आपके इंदिरा गांधी ने दिया था उस टाइम आपके कि जब वीवी गिरी थी, वीवी गिरी
थे उस टाइम प्रेसिडेंट के लिए, तो उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम वो नारा बहुत अच्छा देती है ना, गरीबी हटाओ। और उस टाइम उन्होंने भी कहा था अपने अंदर आत्मा की सुनो, क्योंकि यहाँ पे क्या है पार्टी के लिए नहीं जाना, यहाँ पे अगर कैंडिडेट अच्छा है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्र के हित में है, तो आप अपने अंतरात्मा की सुनो। जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है उसको दो, कोई प्रेशर नहीं है आपका, आपसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि इसी को वोट दो, ऐसा करेगा तो आप पे एक तरह से उन पर भी करवाई होगी। और अगर आपने बता भी दिया कि नहीं मैंने इसको वोट इस तरह दिया है तो क्या हो जाएगा, आपका क्या जो वोट होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपके तो ये सीक्रेट होता है, ठीक है। अब हाँ, इसमें क्या रहता है आपके, देखिए फिर मैंने से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीपी में क्या रहता है, मान लीजिए यहाँ क्या होगा एक तरह से, यहाँ आपके प्रेसिडेंट के चुनाव में तो आमतौर पर ए बी दो ही कैंडिडेट होते हैं ना, दो ही कैंडिडेट हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो ये सब होता है तो उस समय एक दो तीन चार जितने भी हो जाए वैकेंसी, आपके जितने भी सीट्स हो, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो जाए एक तरह से, उसके अकॉर्डिंग निकलेगा तो वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम दो लेकर समझें तो मान लीजिए पहला जो कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट, उसने बी को दिया प्रेफरेंस सेकेंड को दिया, फिर दूसरा कैंडिडेट है वो इनको प्रेफरेंस दिया आपके, इनको फिर दो, फिर आपके एक दो, फिर दो एक, फिर दो एक, इस तरह मान लो जितना आपके वोटर्स होंगे वोट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या जाता है, राउंड जाता है, राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड। इसमें देखिए क्या रहता है, इसमें एक बॉक्स बना रहेगा, ठीक है, एक बॉक्स ए के लिए, बी के लिए, अब सी डी होंगे तो उनके लिए बना रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बी रहेगा, इसमें क्या रहेगा, पहले कहेंगे देखिए ए के लिए मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे, कोविंद, और ये मीरा कुमारी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, गोविंद जी का आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन कौन दिया है, ठीक है, तो चलो इसमें डाल कितना हो गया, कैलकुलेट किया जाएगा आपके जितना भी फर्स्ट राउंड में कोशिश किया था, फर्स्ट राउंड में कितना फर्स्ट प्रेफरेंस ए को गया है आपके, या रामनाथ गोविंद को गया है, उनको गया है, तो क्या करें आप उनको एक तरह से ए में डालें, एक बॉक्स में डाल दें, दूसरा दूसरे बॉक्स में डाल, यानी यहाँ पे दो बॉक्स बना दिया जाता है, जितना भी मान लीजिए ए को गया है एक तरह से आपके, तो ए में जितना भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, जितना भी लोग चाहते हैं ए बने, तो उनका पहले इसमें किया जाता है, ठीक है। फिर आपके बी में आपके बहुत लोग हैं जो बी को करते हैं, तो बी को, यहाँ दो कैंडिडेट तो बहुत ईजी हो जाता है, मान लीजिए थर्ड कैंडिडेट होगा सी को, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे आपके जो ए बी को ना मिल के सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो सी के लिए भी रखा जाएगा, डी के लिए भी रखा जाएगा, ई के लिए भी रखा जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए फिर से एक बार, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, इतने कैंडिडेट हैं, इतने कैंडिडेट हैं, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं, इनके लिए बॉक्स बना हुआ है। अब सब लोग डाले हुए हैं वोट, अपना प्रेफरेंस भी डाले हुए हैं कि वो किसको चाहते हैं, कि फर्स्ट किसको, मान लीजिए बहुत लोग चाहते हैं आपके 30 लोग इसको चाहते हैं, 20 लोग इसको चाहते हैं, 15 लोग इसको चाहते हैं, इसको 10 ही लोग चाहते हैं, इसको चाहते ही नहीं, इसको भी चाहते ही नहीं है, तो इनको क्या किया जाएगा बताइए, इनको सी और आपके एफ को, ए बी सी डी ई और एफ को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, नहीं, इनको कहा जाएगा इनको साइड में रखो, साइड में रखो ये इसको, वहाँ पे जो कैलकुलेटिंग किया जाएगा ऑफिसर, उनको साइड में रखो, ठीक है, चलो साइड में आपके, तो आपके पहले इधर किया जाएगा सब फर्स्ट प्रेफरेंस जितना भी, तो सी ई और एफ को मिला ही नहीं, तो इनके बाद देखा जाएगा कि इनका सेकंड प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस आपके, सेकंड प्रेफरेंस के बाद फिर थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ, जितना भी इनका प्रेफरेंस होगा देखा जाएगा आपके, यानी जो लोग यहाँ से राउंड से बाहर जाते जाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके प्रेफरेंस को देखा जाएगा आपके, और कहीं ना कहीं इन लोगों को तो प्रेफरेंस दिए होंगे, तो यहाँ से निकाल के ऐड कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जनरली आज ज्यादा राउंड तो हुआ नहीं, फर्स्ट में दो कैंडिडेट ही होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड राउंड में क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है आपको, ठीक है। इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वैसा वोट जो ट्रांसफरेबल आपके प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है 1-to-1 रैंक करके, ठीक है आपके। और सीक्रेट बैलेट पेपर मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरह से सीक्रेट रहता है, याद रखिएगा पूरी तरह से सीक्रेट रहता है, आप कोई फोर्सफुली नहीं रहता है एमपीएमएल की इन्हीं को देना है उन्हीं को देना है, वो अपने अंतरात्मा के आवाज सुनते हैं और जिसको देना रहता है वो देंगे, कोई फोर्स उन पे नहीं कर सकता पार्टी द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है राउंड वाइज चलता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपके, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसी के अनुसार इसमें आपका जो भी लोग बाहर होते जाएंगे एक तरह से, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनका क्या किया जाएगा प्रेफरेंस देखा जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस उसका क्या था, ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस क्या था, उसको ऐड करते हो जाएगा, ठीक है। उतना कंफ्यूज नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ जाना, ठीक है, निकालना आपको नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें ऐसे होते हैं, राउंड वाइज चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड राउंड में आपके निकल जाता, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये